ये तो सभी लोग भाई भाई हैं। जब पार्वती जी का स्वयंवर हुआ तो शिव जी पांच चोटी के बालक बन गए। शिव जी पांच चोटी के बालक बन गए। पार्वती जी ने उन्हें उठाया और जैसे उठाया रनिवास में लेकर गई, वहीं पर वैदिक रीति से उनकी शादी हुई। क्या बात है, वैदिक रीति से शादी हुई। भाई कहना क्या है, उठा के उठा जी गई।
पत्नी की गोद में पति विराजमान और स्वयंवर हो रहा था। कैसे क्या बात है। और कहना दूसरी बात सुनिएगा, जब भगवान शिव जी विष पी लिए तो शिव नन्हे बालक का रूप धारण कर पथ में लेट गए। नन्हे बालक का रूप धारण कर पथ में जब लेट गए तो माँ कालिका ने उन्हें गोद में लेकर अपना स्तन पान कराया। आइए दूसरी बात सुनिए, नाम नहीं पता है, नाम कोई बता दीजिएगा लिखकर। और अन्ना ऐसे गाली को राधिका जी
कृष्ण से बड़ी है। क्या बात है, जिस समय उनका स्वयंवर हुआ कितने साल की थी दादा और क्या उम्र था कन्हैया लाल का, तो सुनिए कहना क्या है। आपका तर्ज आया है, बहुत प्यारी तर्ज आपने दी है। वास्तव में बिटिया ये ना कहो कि ये लेडीज गाना है तो तुम काहे गा रहे हो और जेंट्स गाना है तो तुम काहे गा रहे हो, ये सब ना कहो ना। अरे पता नहीं कितने लोग लेडीज गाना गा करके जेंट्स कलाकार हो गए। आपको बता दें खेसारी लाल यादव को जानती हो। अरे मन कर सीना बाटा पेरोड़ा से, ये लेडीज कहती है। क्या बन गया वो? ये सब छोटी बातें बेटा, ठीक है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। आपकी तरफ से गीत आया है, कौन सा गीत आया है पहले तर्ज बता दे, फिर बताएंगे कौन सा। ठीक बताओ। अच्छा 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 ठीक ठीक। तेरे चेहरे से बेटा जब आप
गाया हुआ मात्र से गाऊंगा। ये तो आपकी रही तर्ज, आप सुनो कैसा गाया, एक्सप्रेस गाया या स्लोली गाया। अब ये आपके तानसेन जो बैठे हैं पीछे चीका कोरस वाले वो बताएंगे, मेरी बात नहीं बता दी क्योंकि जो गाता उसको पता नहीं चलता। देखिए कुछ आपके गीत में ऐसी चीज आपने लाई है जो अचंभित करने वाली बात है, तो यहां भी देखिए कुछ अचंभा हुआ। प्रयास कर रहा हूं, जिनका प्रादुर्भाव हुआ है जन्म लिया किसी माँ के गर्भ से, तब प्रादुर्भाव हुआ है और क्या, वो पलते हैं पल्ले पलते हैं पल्ले में तीनों देव साथ में, ब्रह्मा विष्णु शिव जी अजब सी बात है। ध्यान नहीं दे रही कहीं कहीं पता नहीं क्या आपने गा दिया। पलते हैं पलने में तीनों देव साथ में, ब्रह्मा विष्णु शिव जी अजब सी बात है। तुम ममता माता की, तुम ममता माता की, हम ममता माता देखो हो ममता माता की, देखो छलक आई अनुसुईया बनी है माँ।
अनुसुईया बनी है। आइए दूसरी बार देखिए, एक विशेषता और है। हाँ, अनुसुईया जी के भाग्य में पुत्र सुख नहीं दिखा था, लेकिन तीनों लोगों ने, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने भक्ति के भाव को देखते हुए उनके आंगन में खेले। तो मेरी लाइन कह रही है कि ममता माता की देखो झलक आई अनसुईया बनी है माया। आइए दूसरी बात, क्या बात है भानु भैया, क्या बात है। जब महामाई ने भगवान शिव को अपने पेट में ले लिया और क्या ले लिया, एक बार तो क्षमा कर दिया, आपने दिखाया ना, चूंकि वो आदि शक्ति है, बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ के बहुत बहुत सम्मानित आयोजक और श्रोता बंधु यहाँ उपस्थित है, जिनमें एक नाम आता हमारे आदरणीय सम्मानित बड़े भैया विनय श्रीपाल जी, जहां तक देख पा रहा हूँ बहुत ही ज्ञानवान व्यक्तित्व है उनका, और यहाँ उपस्थित तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। तब भोले भवानी की, भोले भवानी की रथक है पाई पत्नी बनी माई। भोले भवानी की कथा रथक पाई पत्नी जा रहे हमारे श्रीपाल भैया, जाते जाते 51 रुपया
इस बच्चे को प्रदत्त किया उन्होंने महामाया के अंग संग रहे और ऐसे ही बच्चों के ऊपर विधान बनाए रहे। चलिए अपनी बात विशेषता देख लीजिए, अचंभित कर देने वाली बात आप लाए, क्योंकि आपने रास्ता बंद कर दिया, फिर भी कोशिश कर रहा हूं जब हो जाए तो क्योंकि अतिथि देव भव और जिस शक्ति की पूजा हम लोग कर रहे हैं, मैं हृदय से बता रहा हूं आपको, हर नारी में शक्ति स्वरूपा होती है, मानने की बात है। परम आदरणीय अखिलेश, श्री अखिलेश भैया, अक्कू भैया हमारे सामने बैठे हैं, मुझे गर्व है कि आप अभी तक अपने कार्यक्रम को सजाए हुए हैं। आइए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि टाइम ना लगे, आइए गीत आपके श्री चरणों में, महामाई के श्री चरणों में रख रहा हूं और हम बच्चे क्या गाएंगे, कोई कुछ नहीं करता, कराने वाली वही है, किसी को ठेकेदार बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को गायक कलाकार बना दिया, कोई झीका बजा रहा है, झीके गा रहा है। आइए